कहुए अयोध्या रामलला दर्शन पर हनुमान गढ़ी दर्शन कले अनेक फल मिले अनेक पुण्य मिले कहीं पुण्य मिले कौन पाई पुण्य मिले तार कारण आम खोजा आम सहित अच्छा अयोध्या महाराज महाराज ये बोलिए ये रामलला के दर्शन के बाद हनुमान गढ़ी का दर्शन क्यों किया जाता है। हनुमान जी जो है जब सीता जी को हर के रावण ले गया था तो जब उसकी खोज में सीता जी की खोज में भगवान राम और लक्ष्मण दोनों निकले थे तो पंपापुर में हनुमान जी से मुलाकात भई और हनुमान जी उसको जा करके लंका में पता लगाए सीता जी का। और जब लंका पे विजयी पा के श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापिस आए तो इतना प्रिय हो गए कि उनके भाई समान हो गए, श्री राम अपने भाई के समान और माता जी उनको पुत्र के समान मानी सीता माता, और वो साथ में अयोध्या चले आए और आके फिर सबसे ऊंचा स्थान श्री राम ने हनुमान जी को दिया। इसलिए यहाँ का महत्व है कि जो भी व्यक्ति अयोध्या आता है वो राम जन्मभूमि और हनुमान जी का दर्शन करके प्रसाद चढ़ाता है और पुण्य को प्राप्त करता है। अच्छा तो यहाँ के कुछ रूल्स है जैसे रामलला के दर्शन करके बाद यहाँ पे दर्शन करना पड़ेगा? नहीं, ये कोई नियम नहीं है कि रामलला का दर्शन करो, पूरी अयोध्या रामलला की है जिसमें हनुमान जी आए और हनुमान जी बहुत प्रिय थे माता जानकी को, इसलिए सबसे ऊंचा स्थान अयोध्या में हनुमान जी को दिया गया और जो भी व्यक्ति यहाँ आता है उसका फल प्राप्त होता है उसको, और उसका हनुमान जी का दर्शन करने से पूरे परिवार सुख सम्मत से भरे पूरे रहते हैं। बिल्कुल महाराज जी, आपने दर्शन किया आज रामलला के? जी जी। क्या अनुभव हुआ? बहुत अनुभव हुआ। जैसे आज इतने दिनों के बाद अयोध्या में भव्य तरीके से राम, बहुत भव्य तरीके से है, बहुत व्यवस्था है, हर एक जगह शुभ सुविधा है, साधन है, हमेशा बहुत परिवर्तन है। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। आपने दर्शन किया महाराज जी रामलला के दर्शन? दर्शन के लिए जो है हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, भगवान राम यहाँ पे विराजमान हो गए, 70-75 साल की मुकदमेबाजी के बाद ये फैसला मान्य हुआ, इसीलिए हम लोग भगवान के हैं, हम भगवान हमारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से हो? हम जोधपुर से, राजस्थान जोधपुर। आज दर्शन किए राम जी के हनुमानगढ़ी में, बहुत दर्शन किए और यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा है और यहाँ की सुविधा भी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ प्रशासन की वजह से जितनी भी भीड़ है वो भी कंट्रोल हो रही है और इतनी भीड़ भी नहीं दिखाई दे रही है, साथ साथ एकदम व्यवस्था अच्छी है, लग रहा भी नहीं है कि इतना राम जी के दर्शन अच्छी तरह से हो रहे हैं और हनुमान जी के दर्शन भी अच्छी तरह से हो रहे हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। इतने लोग लाखों से आ रहे हैं, आपको कोई दर्शन में प्रॉब्लम नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, व्यवस्था इतनी अच्छी है कि इतनी अच्छी व्यवस्था कहीं नहीं, किसी भी मंदिर में नहीं है विश्व में, किसी चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत बढ़िया व्यवस्था। बिल्कुल बिल्कुल। आपने दर्शन किया? जी सर। क्या अनुभव है जैसे आपने रामलला के भी दर्शन किया? जी सर, उसी बहुत अच्छा है। आपने दर्शन किया? बिल्कुल किया सर, बहुत ही शानदार माहौल रहा, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, सबको आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए रामलला जी के, काफी समय बाद मंदिर बना, इतना अच्छा मंदिर बना, सबको आना चाहिए, परी फैमिली सहित आना चाहिए, आवे तब सभी जगह दर्शन करना चाहिए। 500 साल के बाद ये अयोध्या में पहली, बिल्कुल सर, और ये पहली रामनवमी है अयोध्या मंदिर बनने के बाद, और यहाँ अयोध्या रामलला विराजमान बनने के बाद पहली रामनवमी है। रामलला के दर्शन पर हनुमानगढ़ी के दर्शन करिवारे अनेक पुण्य मिले तार कारण महाराज कहते एवं विशेष करी एठाकर जो दर्शन व्यवस्था रही लक्ष लक्ष लोक आसले भी समस्ते श्रृंखलित भाव दर्शन करी सुरखुर रे घर को फिर अयोध्या कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मनोज महांती एरगस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।